हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल 100KWS में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BSc फाइनल ईयर की बुक न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे और यूनिट फर्स्ट में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि इस यूनिट में मेनली है और उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो नेक्स्ट ईयर आए, इस ईयर आए, बस हर 1 और 2 ईयर में वो रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखिएगा, हो सकता है इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और जैसे आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से देखोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी यूनिट तो हम पूरी इतने दिनों से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर ली होगी आपने अपने टीचर से, है ना, और ले आपने सारी स्टडी कर ली होगी BSc फाइनल ईयर की। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 to 6 क्वेश्चन है, देखना, रिपीटेड हुए हैं बहुत बार और ये ही आते हैं बार 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 यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम बात करते हैं सामी आनुभविक द्रव्यमान सूत्र की, सेमी इम्पेरिकल फॉर्मूला। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस पर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, बार बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेमी इम्पेरिकल फॉर्मूला, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। पूरा डेरिवेशन ड्राइव कराता है एनर्जी का, जो हम न्यूक्लियस के लिए देखते हैं, नाभिक के लिए देखते हैं। तो इस टॉपिक को प्रीवियस ईयर भी आया था, अभी भी आ सकता है, तो अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट, सामी आनुभविक द्रव्यमान सूत्र, सेमी इम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका एक न्यूमेरिकल है जो कई बार यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, आप देखना। बाकी टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, ये देखने को मिल सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सेकेंड जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र की बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र भी इस यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला भी बार बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से ड्राइंग करके देखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपने देखा है 60% आएगा, तो एक यूनिट में से 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो इनमें से आपको देखने को मिल सकते हैं क्या दोनों क्वेश्चन कोई भी। थर्ड जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं इसमें, वो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट, वैद्युत चतुर्ध्रुव आवरण। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, डेरिवेशन है, इसे भी अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है ये एग्जाम में आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रोपोल मोमेंट, वैद्युत चतुर्ध्रुव आवरण, डेरिवेशन है। फर्स्ट ईयर में भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसको ड्राइव किया था, फाइनल ईयर में भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ड्राइव करते हैं, वहां भी इम्पोर्टेंट था, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका भी आप डेरिवेशन देखिएगा, अच्छा डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बेन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रममापी। इस साल, इस ईयर ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रममापी, यानी ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इस टॉपिक में हम मास की बात करते थे, द्रव्यमान को मेजर करते थे, मास को मेजर करते थे, तो ये वाला जो टॉपिक है, इसका जो डायग्राम है, इसका जो छोटा सा डेरिवेशन है, वो आप अगर अच्छे से देख के जाओगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। कौन सा? बेनब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रममापी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उनमें सबसे ज्यादा
टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ठीक है, बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो है हाफ स्टेडर प्रयोग, हाफ स्टेडर एक्सपेरिमेंट। हाफ स्टेडर प्रयोग, हाफ स्टेडर एक्सपेरिमेंट, ये भी इस यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिल सकते हैं, उनमें से एक तो है बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि मैंने अभी पहले बताया था, और दूसरा है हाफ स्टेडर एक्सपेरिमेंट, हाफ स्टेडर प्रयोग। ये जो हाफ स्टेडर प्रयोग है, हाफ स्टेडर एक्सपेरिमेंट है, ये जो अगर क्वेश्चन आया, ये जो टॉपिक आया, तो इसका कंप्लीट आपको करना है, डेरिवेशन है इसका, जो डायग्राम है, थ्योरेटिकल है, कंप्लीट आपको एग्जाम में करना है। तो ये हाफ स्टेडर एक्सपेरिमेंट, हाफ स्टेडर प्रयोग, और सेकंड जो हम बात करते कर रहे हैं किसकी, ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ब्रेन ब्रिज द्रव्यमान वन क्रम मापी। तो ये जो दो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये जो दो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में आपको कुछ भी मिल सकता है, पढ़ना तो सभी है, लेकिन इनको अगर आप ज्यादा ध्यान से करोगे तो हो सकता है आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो, है ना। तकलीफ तो खैर वैसे भी नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद जो हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं नेक्स्ट, वो शॉर्ट नोट्स आते हैं कई बार, ये छोटे क्वेश्चन में भी है, जो आपके पास आते हैं शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आते हैं उसमें भी मिल सकते हैं, या फिर आपको बड़ा क्वेश्चन बनाकर भी दे सकता है। और ये जो शॉर्ट नोट्स आते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको देख के जाना है। एक तो समभारिक प्रचक्रण, आइसोस्पिन क्या होता है, समभारिक प्रचक्रण आइसोस्पिन क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। सेकेंड जो है वो है कोणीय संवेग। सेकेंड किसकी बात करते हैं हम, कोणीय संवेग की, एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियस के लिए पढ़ते हैं हम, शॉर्ट नोट है, थोड़ा सा आपको एक बार देखना है, याद हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डिस्कस आपने किया होगा, बहुत टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते, है ना। एक पैरिटी, पैरिटी समता, ये भी शॉर्ट नोट में थोड़ा सा याद रखना है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। और एक है हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, यानी नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। ये जो मैंने आपको फोर्स बताए ना टॉपिक, ये छोटे छोटे बस आपको जैसे एग्जाम में जाना है तो थोड़ा थोड़ा सा देख के बस जाना है, तो इनसे अगर रिलेटेड शॉर्ट नोट आता है तो आपको पूरा कंप्लीट मार्क्स मिल ही जाएगा। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया है ना, ये जो क्वेश्चन बताया है ना, ये न्यूक्लियर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक है। ये अगर हम पढ़ना चाहें इनको, तो एक दिन में 2 से 3, 3 से 4 उसमें घंटे में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं ना। एक दो बार रिपीट करो इनमें से, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, कहने का मतलब है यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाना चाहिए। बाकी यूनिट तो आपने पढ़ ली होगी कंप्लीट, बस ये है जो क्वेश्चन मैंने बताया है इनको अच्छे से देखना है, यूनिट फर्स्ट में हो सकता है आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। बाकी की जो यूनिट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, आपने वैसे तो सब कुछ पढ़ा होगा, बस इसको थोड़ा सा आप डिटेल में क्या, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना बस, क्योंकि इनमें एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेगा, और मिलेगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और यूनिट की बात करेंगे, इतने आप ये यूनिट के जो क्वेश्चंस मैंने बताए इनको प्रिपेयर कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।